ये थम रे ए पूरी कलेक्शन समर वेडिंग समर रिजॉर्ट वेयर पे है. डेस्टिनेशन ब्राइड्स and lighter clothes with more and more of easy styling, easy clothing. उसी पे सारा focus है. हाँ, because the entire ideology around the designing sense is that comfortable clothes हो लेकिन feel उसमें बहुत royal आए, पूरा उसमें grace and simplicity आए. आपकी पटाखा का ये favorite color है and also it suits her absolutely beautifully. ऑर्गेन्जा का यूज़ करा है बिकॉज उसकी जो ब्यूटी और शेयरनेस है दैट इज़ एब्सोल्युटली वेरी लाइट वेरी डेलिकेट समर्स को माइंड में रख के तो वो उनके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली. ये कलेक्शन मेरी बहुत फेवरेट है बिकॉज दिस इज़ समर ब्राइट और कपड़े उतारने का ज़्यादा शौक है मुझे तो आई थिंक समर ब्राइट इज़ बेटर देन विंटर ब्राइट मेरे लिए. नहीं बट कमिंग बैक टू आई प्रिफर लाइटर कलर्स लाइटर फैब्रिक. हाँ, फैशन शो वगैरह हमारा शूट्स पे डिफरेंट होता है क्योंकि हमें तब अलग अलग पहनना पड़ता है. बट अगर आई थिंक फॉर मी इट विल ऑलवेज बी अ समर ब्राइट एंड कलर शी राइटली सेड येलो इज माय फेवरेट कलर. प्लस अंदर भी अगर आप कलर देखेंगे एक्सेप्ट द टिपिकल जो रंग होते हैं ब्राइट्स के रेड ग्रीन उसके अलावा उसके ज़्यादा पेस्टल्स यूज़ किए हैं सो दैट यू नो एंड डेस्टिनेशन वेडिंग समर्स में ही होती है ज़्यादातर लोग इटली रोम एवरीवेयर दे गो सो आई थिंक फॉर दैट इट्स रियली नाइस. एंड उनकी तभी उनकी कलेक्शन का नाम भी गज़ल है बिकॉज दैट्स वाई जो आपने जैसे बोला कि मुगल सॉट्स आपको फील आती है तो शी इज़ केप्ट द रॉयलनेस इन हर क्लोथ्स एंड फैब्रिक मतलब एम्ब्रॉयडरी में रॉयलनेस रखी है फैब्रिक में बट फैब्रिक उन्होंने शी इज़ केप्ट दैट इन माइंड कि लाइट हो बिकॉज समर में क्या होता है ना ज़्यादातर एनी वे दैट सो हॉट एंड डेस्टिनेशन तो इवन द ब्राइड्स जो भी नेहा जी के पास हमेशा से मेरी सिस्टर के पास आए हैं ब्राइड्स दे हैव ऑलवेज डिमांडेड फॉर लाइटर क्लोथ्स सो दैट you know it's easier to dance easier to move fero ke time pe aasan rahe so I think it's really nice feel like yeah you know sari is something that I think khaaskar indian pehni I think sari ek aisa outfit hai ki har aurat pe bahut sundar lagta hai aap agar kisi foreigner ko bhi dekhe na kabhi sari pehen ke aapko lagta hai haaye sari pehni I remember when michelle obama I think wore once to har ek ko itna acha laga tha ki sari and sari I think internationally is the best outfit possible I feel for any woman around the world and you know apart from that like I said like yellow is my favorite color so I demanded yahan pe main demand kar sakti thi ki mujhe yellow pehen kar aana hai to maine demand kiya aur banwaya bahut enjoy kar rahi hu abhi filhal wo watermelon aur naral pani jo aapne dekha wo hamari shoot chal rahi hai abhi bhi main wahi se aa rahi hu mat mein hamari shoot chal rahi hai mera first international project hai iranian film so I'm really excited about that and bahut garmi hai because आई मीन जब आप मड में आउटडोर करते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा इतनी गर्मी बिकॉज यूजुअली हम गर्मियों में ना इंडोर होते हैं या स्टूडियो में फिल्म सिटी महबूब में बट ये आई थिंक पहली शूट है मेरी जो मैंने इतनी गर्मी में इंडिया में शूट किया है समर में इतनी भी गर्मी नहीं है बट यू रियलाइज़ कि अच्छा दैट्स द बेस्ट वे टू कूल एंड फोटोशूट भी हो जाती है बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट है उन लोगों का कल्चर डिफरेंट है आउटफिट भी उस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट है बट अगर आप देखें इंटरनेशनली बाफ्टा कहीं भी आप जितने भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं मैक्सिमम इंटरनेशनल फिल्म सेक्शन में ईरानियन फिल्म दे विन द बेस्ट अवार्ड्स फिल्म में क्योंकि ना उनकी जो फिल्म है जब हम ये फिल्म कर रहे हैं मेरी मैनेजर भी हैं वो भी आई थिंक शी अग्री विद दैट दे आर वेरी देयर स्टोरीज आर वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी सिंपल एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी सो एंड बट मोर देन एनी थिंग फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश में एक्ट कर रही हूँ इंटरव्यूज़ देना अलग बात होता है बट एक्ट करना इंग्लिश में अलग है क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम हिंदी बोलते आए हैं हम लोग इंग्लिश में नहीं करते तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग एंड दूसरे कंट्री के लोगों के साथ कैसे वो करते हैं उनका उनकी तहजीब उनके तरीके जो होते हैं उनकी आदत वो सीखने में एक इट्स अ गुड एक्सपीरियंस पानी पीजिए बहुत अच्छा पूछिए पानी पीजिए वाटरमेलन सब मैं टिप्स दिए जा रही हूँ नारियल पानी नहीं बट आई थिंक मोर देन एनी थिंग आई थिंक मुझे अभी बीच पे एक ट्रेंड चला था खासकर लड़कियों के लिए काफ़ी लड़कों के लिए दैट दे वर बिजी नॉट ईटिंग बिकॉज एक पतलेपन का जो फैशन चला था ऑल आई विल से इज आई नो इट्स समर्स एंड आई नो एवरीवन वांट्स टू एंजॉय द समर हॉलीडे बट बी हेल्दी मोर देन एनीथिंग प्लीज़ खाइए बिकॉज समर्स में भूख जनरली कम भी लगती है तो हैव मोर वाटर सो यू गेट ऑल द मिनरल्स हैव मोर फ्रूट्स बिकॉज इट्स रियली रियली हॉट
So, you know, focus on being healthy, and healthy is being enough.